अब हमारा समर वेकेशन आ गया है, अब मैं जाऊंगा अपनी नानी के घर, वहां पर मैं खूब सारी मस्ती करूंगा। चलो 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 सारे चलते हैं अपनी नानी के घर, वहां मिलेंगे मुझे बहुत सारे दोस्त, जहां मैं उनके साथ खेलूंगा, बड़ी बड़ी मस्ती करूंगा। हाय हाय नानी, कैसे हो? ओ नानी, अपने पड़ोस में ये दोस्त कौन है जो इतना उदास उदास क्यों रहता है? क्यों क्यों, ऐसा तो आज की दुनिया में कोई भी नहीं रहता। सैड रहने से पता है आपको कितनी बीमारियां भी हो जाती है? मुझे तो नहीं पता। ओहो देखो मैं कितने सारे दोस्त लेकर आया हूँ, अब हम नए नए दोस्त बनाएंगे जिसमें हम अपनी छुट्टियों का खूब मजा उठाएंगे। तो ये है जोजो, जोजो आया है अपनी नानी के घर, और नानी के घर आके उसने बनाए हैं बहुत सारे दोस्त। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था, और वहां पर उसने देखा कि एक बच्चा चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा है और वो बहुत सैड है। तो जोजो ने देखा ये सैड क्यों है, और जोजो उसके पास गया तो उसने क्या बताया होगा। उसने बताया कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं सैड हूँ। तो जोजो ने उसको क्या समझाया? जोजो ने उसे सिखाया क्या? How to stay happy, खुश रहने के तरीके। हमें कैसे खुश रहना है अब एक एक करके सब बताएंगे कि हमें कैसे खुश रहना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो अपने दोस्तों के साथ खेलना और उनके साथ मस्ती करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के साथ ही खेलता रहता हूँ। एक तरीका ये है कि जिसके साथ भी रहो खुश रहो, कंफर्टेबल रहो, छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करो और बड़ों का इज्जत करो और छोटों के सब मुझे stay happy in life, we have to enjoy every little moments in our life and keep learning new things.